इश्क मेरा बाखो गई कमली मैं कैसी हो गई बनके दीवानी यार की चाहो के हारे ना कभी मेरी अकेली जिंदगी देखिए मुझे आपसे सिर्फ इतना कहना था कि आप मुझे माफ कर दीजिएगा लेकिन मैं ये शादी नहीं कर सकती। What? क्या हुआ? क्यों नहीं कर सकते आप ये शादी? जब मैं अपना इरादा बदल सकता हूँ तो आप अपना फैसला क्यों नहीं बदल सकती? तुम एक काम करो ना, तुम मेरे कुछ टुकड़े कर दो। मेरे एक टुकड़ा उधर चला जाएगा, एक टुकड़ा उधर चला जाएगा, एक उधर चला जाएगा। तुम्हारी बेटियां फिर भी नहीं मानेगी कि उनका बाप कोई जिम्मेदारी पूरी कर रहा है या नहीं। वो देखो वो लोग भी आ गए। तुमने बुलाया था? मैंने तो कार्ड नहीं भेजा। बस करो, सारी बातें खत्म हो गई तो दो दिन बाद क्या करोगी? अच्छा तुमसे ही पूछ लेंगे, कभी ना कभी तुमने भी कुछ किया होगा। हाँ भाई अमीर लोग हैं, क्या पता इतने ही महंगे गिफ्ट देते हो। हाँ मगर 8-10 तोले का तो कम से कम होगा। तो अब क्या करना है? अब ये तोहफा है, मैं वापस तो नहीं कर रही है। ओ खुदा की बंदी, मैं तोहफा वापस करने की बात नहीं कर रहा हूं, शादी का क्या जवाब देना है? एक बात कहूं, बुरा तो नहीं मानेंगे? एक तो तुम बात करने से पहले तमीज मानना शुरू कर देती हो, इंसान वैसे डर जाता है कि पता नहीं क्या बात करने वाली हो। कह दो जो कहना है। नहीं मेरा मतलब है हमें ना उनसे अब साफ साफ बात करनी चाहिए। क्या मतलब साफ साफ बात? मतलब हमें उन्हें कह देना चाहिए कि बुशरा की मंगनी की बात नहीं है। हाँ हम बुशरा की शादी अफोर्ड ही नहीं कर सकते। और ये बात मैं उनसे कहूँ? यानी लड़की का बाप उनसे ये बात कहेगा और मैं बहुत अच्छा बहुत अजीम गैरतमंद आदमी लगूंगा ना इस तरह की बात करते हुए? अच्छा चले आप ना करें, मैं कर लूंगी, लेकिन बात तो साफ करनी पड़ेगी वरना वो टलेंगे नहीं। चलो बहरहाल शादी गुजर जाने दो, फिर सोचते हैं क्या कहना। परीसा का जेवर तो हो चुका, फिर मैं ये परीसा को नहीं दे रही, और भी बेटियां भी आने वाली। जैसे मुनासिब समझो। अरे आ रहा हूं भाई, आ रहा हूं। कौन है? आ रहा हूं। जी फरमाइए। जी हमें बुशरा वारसी से मिलना है। क्यों बुशरा से क्यों मिलना है, किस सिलसिले में? आप उन्हीं को बुलाएं, उन्हीं से बात करेंगे। मैं वालिद हूं उसका, आपने जो कुछ कहना है मुझसे कहिए। तो ठीक है फिर आप भी हमारे साथ आने चलें। क्यों भाई क्यों चलूं थाने, क्या हुआ ऐसा? बख्तूल आरिफ की बच्ची को जबरदस्ती कस्टडी में रखने के जुर्म में। क्या फजूल बात कर रहे हैं आप, क्या हमने रखा है उसे जबरदस्ती? ये आरिफ के सौतेले भाई ने केस किया बुशरा के खिलाफ। क्या होगा फिजा, आरिफ का भाई तो उससे भी कमीना निकला। आप जरा रुकिए, मैं हाजिर हो रहा हूं। ठीक है अब जो अबू बरसेंगे उसके बारे में सोचो। चलो जल्दी से नाश्ता कर लो, परीसा के ससुराल वाले आ रहे हैं जहेज का सामान उठाने। आप भी तैयार हो जाए, उनका फोन आया, वो जहेज का सामान उठाने आ रहे हैं। मना कर दो उन्हें, बाहर गेट पर पुलिस खड़ी है।
देखेंगे तो क्या सोचेंगे हमारे बारे में? पुलिस क्यों? मना किया था मैंने इसे, मना किया था कि इस घर में आगे कम मुसीबतें हैं जो एक और लेके आ रही हो। अब निकालो उसे, उनके हवाले करो ताकि हमारी जान छुटे। अब वो आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं अनुशे इन लोगों को नहीं दे सकती। नहीं दे सकती हो तो फिर हम सबके गले दबा दो, अपनी बहनों के भी दबा दो, माँ का गला भी दबा दो, मेरा भी। वो बाहर गेट पे खड़े हैं, क्या जवाब दूं उन्हें? अब वो आप मुझे दो मिनट दें, मैं अभी ये मसला हल करती हूँ। इस मनहूस की वजह से अगर शादी में कोई गड़बड़ हुई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बताएं तो सही, आखिर हुआ क्या है? तुम्हें क्या बताऊं, क्या बताऊं? उनसे तो बात कर लूं पहले। देखिए साहब, एक गुजारिश करनी है आपसे। मेरी बेटी की शादी है, शादी वाला घर है, पुलिस मेरे घर पे आए मुनासिब नहीं लगता, मोहल्ले वाले क्या कहेंगे। आप मेहरबानी फरमाइए, मुझे थोड़ा सा वक्त दे दीजिए, दो चार दिन में मैं इस मामले को हल करता हूँ। मैं आपकी बात समझ सकता हूँ, आपको तो पता ही आजकल कानून बड़ा सख्त है और बच्चों के मामलों में तो ये मीडिया वाले पीछे ही लग जाते हैं। ओ जी, हमारे हाथ में कुछ होगा तो उनका मुंह बंद कराएंगे ना। ओ, किसका फोन आ गया? हेलो जी सर, सर बहुत बेहतर सर। नहीं नहीं सर, खादिम है, मैं खादिम सर, वो गलती हो गई सर जी। ठीक है सर, ठीक है सर जी, अभी तो हम जा रहे हैं, आपने खाम का जहमत दी बड़े साहब को। खुदा हाफिज। चलो अब वो आप बिल्कुल फिक्र ना करें, मेरी मूसा साहब से बात होगी, वो सब कुछ संभाल लेंगे। संभालेंगे या नहीं संभालेंगे, तुम इस बच्ची को यहाँ से निकालो फौरन। अब वो आप मेरा यकीन करें, पुलिस दोबारा नहीं आएगी हमारे घर। ठीक है, पुलिस नहीं आएगी तो फिर वो आएगा, इसका सौतेला भाई, वो शराबी, और शादी के बीच में आके हंगामा करेगा। हेलो जी सर, जरा नासिर साहब से बात कराओ। जी, अब वो आपसे बात करना चाह रहे। मैंने क्या बात करनी है? अबू जी, अस्सलाम वालेकुम। मूसा साहब जी, फरमाइए। वो नासिर साहब, मैं आपसे ये कहना चाह रहा था कि पुलिस अब आपको तंग नहीं करेगी, मैंने ऊपर से फोन करवा दिया। इसे चुप करवा दो, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, इसे चुप करवा दो। आप बंद है, मुझे आपके साथ नहीं जाना। इसे भेजो इसके चाचा के पास, इसे पता चले गंदे लोग किस तरह के होते हैं। अबू क्या हो गया आपको, बच्ची है? चुप रहो तुम। अच्छा बस 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 बस। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा बस, आ गए आप लोग, गुड। आओ बेटा, जी चिश्ती साहब, सारी तफसील तो आपको वकील साहब ने बता ही दी है, पेपर्स आपको कल दोपहर तक मिल जाएंगे। जी जी सर। हाँ सानिया, कहाँ आग लगी हुई है? अभी तक तो कहीं भी नहीं लगी, लेकिन अगर तुमने वीडियो ऑन नहीं की ना तो लग जाएगी मेरे दिल में। हाँ बोलो। इतनी सड़ी भी शक्ल क्यों बनाई हुई है? जाहिर है भाई, जब आप किसी से जबरदस्ती बात करेंगे तो ऐसी शक्ल बनेगी। क्या मतलब, तुम मुझसे जबरदस्ती बात कर रहे हो? देखो मेरी बात सुनो, जब किसी शख्स ने दो बार फोन काटा हो तो तीसरी बार जाहिर बात है जबरदस्ती बात होती है। छुट्टी वाले दिन तुम ऐसे कौन से काम में मसरूफ थे कि तुम मेरी भी कॉल रिसीव नहीं कर रहे थे? चेक कर रही हूँ मुझ पर। अच्छा चलो, मैं तुम्हें सच बता ही देता हूँ। एक्चुअली मैं ना एक बहुत ही खूबसूरत लड़की की तस्वीरें देख रहा था, दिखाऊं तुम्हें? लायो। तुम तो किसी हाल में भी कुछ नहीं हो, ट्रस्ट मी, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। जी नहीं, मुझे कोई शौक नहीं है, जब भी मुझे किसी खूबसूरत लड़की की शक्ल दिखनी होती है ना, मैं मुड़कर आईने में देख लेती हूँ। वाओ, टॉक अबाउट बीइंग सेल्फ ऑब्सेस्ड। सानिया, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ, मम्मी की कॉल आ रही है। बाय बाय। एक सेकंड शायान।
आप बेहद इसरार करती रहीं, इसलिए मंगनी तो हो चुकी मेरी। क्या हो गया, आज सोने का इरादा नहीं है किसी का? देखो जरा बच्ची के घर आने से कितनी रौनक हो गई है। हाँ, और मुझे लग रहा है काफी प्रैक्टिस भी हो रही है बच्चे संभालने की। बाबा तुम ये क्यों नहीं कहते कि शादी से पहले अपने ससुराल में रहने का मौका नहीं गवाना? नहीं, मीटिंग्स थी जो मूसा सर ने कैंसिल कर दी है। कैंसिल कर दी क्यों जी? आपको तो पता है उन्होंने एक बच्ची अडॉप्ट की है, बहुत ही प्यारी सी, रोज उसे ऑफिस लेकर आते हैं, जब दिल चाहता है घर चले जाते। मेरी तरफ आज क्यों? ये तो तुम अपने घर फोन करके पूछो। सर आपने उन्हें रोका क्यों नहीं? मैं उन्हें क्यों रोकता? तुम्हारे वालदैन ने फोन करके खुद उन्हें बुलाया है। अच्छा सर मैं अभी आती हूँ। ओके। भाई साहब अगर ऐसी बात थी तो आप मुझे पहले बता देते। मैं तो भाभी से पहले ही कह चुकी थी कि शादी में अगर किसी किस्म की मदद की जरूरत हो तो बिला तकल्लुफ कह दीजिएगा। देखिए बहन जी, मैंने सारी जिंदगी इज्जत के सिवा और कुछ नहीं कमाया। आप बेहद इसरार करती रहीं, इसलिए मजबूरन आपको यह सब कुछ बताना पड़ा। दरअसल इनकी रिटायरमेंट अब करीब है और ये और बुशरा ये अब घर को संभालते हैं। अभी हमारी दो बेटियां और हैं, जब तक उनकी शादी नहीं होती बुशरा की शादी है। भाभी बुशरा शादी के बाद भी बिल्कुल ऐसे ही काम करेगी जैसे अब कर रही है। मुझे तो अपने बेटे के लिए ऐसी बहू की जरूरत थी जो ऑफिस के काम में उसका हाथ बटाए। और भाभी रह गई आपकी दोनों छोटी बेटियां, वो अब आपकी नहीं मेरी जिम्मेदारी। जरूरी बात करनी है। आप मुझे अभी बताएं। तुम्हारे अब्बू ने तुम्हारा रिश्ता पक्का कर दिया। मुंह क्या देख रही हो, जाओ मुंह हाथ धोकर आओ, तुम्हारे अब्बू भी तुमसे बात करना चाहते हैं। इश्क में जिसको आपके पास वाकई उन्हें देने के लिए कुछ नहीं है, बेटी भी नहीं। ये तरबियत की है तुमने अपनी औलाद की, जब दिल चाहता है बाप के मुंह पे थूक के चली जाती। मैं सिर्फ अपने आप को साबित करना चाहती हूँ, उनके दिल से एक असर मिटाना चाहती हूँ कि वो कभी एक बेटे के बाप नहीं बन सके, उन्हें बेटा बन के दिखाना चाहती हूँ। अब पता चला है ना, पता चला कि बेटा होने और बेटा बनने में कितना फर्क है। मेहंदी लगा के रखना तुमको भाई, सजा के रखना तुमको भाई। लो भाई अब हमारा आना भी खटकने लगा, देखो तो। वैसे ही पूछ रही हूँ प्रीशा, कोई कितना शर्मा रहा है। ये बदतमीजी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी मैं। बस कुछ ही दिन है, हम बदतमीजों को बर्दाश्त कर ले। आप तुम लोग क्यों मिलके मेरा रिकॉर्ड लगा रहे हो? और तुम बताओ खैरियत से आई हो? मैं यार आवाज़ी से वालों कोई जवाब देने नहीं, अम्मी से बात करने आई हूँ। क्यों, सब ठीक है, खैरियत है ना? भाई हनीमून का प्लान बन रहा था और अम्मी ने इतनी बड़ी खुशखबरी दे दी, प्लान कैंसिल। क्यों कैंसिल क्यों कर दिया? अभी सब कुछ डिसाइड हो चुका हुआ है, सिर्फ एक महीना है हमारे पास। एक महीना? तुम लोग पागल हो गए हो? क्यों ज्यादा है, चुप कर जाओ बिल्कुल। पता नहीं अम्मी अबू कैसे मान गए, मैं तो बहुत हैरान हो रही हूँ। क्योंकि मौजज़े इस दुनिया में ही होते हैं। अच्छा इससे पहले फरा आ जाए हम लोग शादी के कपड़ों के कलर्स डिसाइड कर लेते हैं, वरना अगर वो आ गई ना तो अच्छे कलर्स बिल्कुल चूज करने नहीं देगी। फरा भी आ रही है? यस। देखा तुमने, जिस जगह पे मौजे होते हैं लोग दूर दराज से देखने के लिए आते हैं। और अब तो फजीला भी टिकट कटाने के चक्कर में है। जी अम्मी आ रही हूँ। मैं आती हूँ, तुम बैठो। अरे तुम तो इधर आके बैठो, सब ठीक है? शुक्र है भाभी आप इन सारे मामलात के शुरू होने से पहले ही आ गई, वरना मेरे तो हाथ पांव फूल रहे थे ये सोच सोच कर के अकेले ये सब कुछ मैं कैसे करूंगी। अरे भाभी
मामला तो आपने काफी पहले अकेले ही अकेले चला लिया था। और फिर अकेले कैसे, परास की शादी हो जाए इंशाल्लाह तो फिर बहू के साथ मिलकर तैयारियां कर लीजिएगा। शिकवा कर रही है ना आप मुझसे, मैं जानती थी। मैंने भाई साहब से इतना कहा कि आपको बताने दूं, लेकिन उन्होंने मुझे आपको बताने ही नहीं दिया। अरे भाई, आपके भाई साहब को तो सरप्राइजेस देने की आदत है। अच्छा आप मुझे ये बताइए कि कल फिर मैं किस वक्त आऊं आपके पास। नहीं नहीं भाभी, आपको आने की जरूरत नहीं है, मैं रास्ते में है ना, आप मैं पिक कर लूंगी। अच्छा चले, ये भी ठीक है, तो फिर कल मिलते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़। ये तुम क्यों घूर रहे हो मुझे? नहीं कुछ नहीं, आप कल से निकल जाएं शॉपिंग पे। साहिर है, हम वक्त ही कितना है मेरे पास। अरे नहीं अम्मी, अल्लाह आपका साया हमारे तो से हमेशा। बहुत बदतमीज हो तुम, मैं शॉपिंग पर जाने की बात कर रही हूँ। वैसे मैं ये सोच रही हूँ फराज कि एक मंगनी का फंक्शन ना रख लिया जाए। इस उम्र में मंगनी करता हुआ कितना अजीब। बस आपकी दुआ चाहिए आपा। आपा आपने तो कहा था बुशरा को समझाओ, बस अच्छा रिश्ता आया तो हमने झटपट हाँ कर दी, उसको समझाने की कोशिश ही नहीं की। अच्छा ठीक है ठीक है, आप अपना ख्याल रखिएगा। ओके खुदा हाफिज। अबू आपने बुलाया मुझे? मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है, मैंने जो कुछ भी किया है मेरा फर्ज था। मेरी बच्ची इस शादी पे खुश तो है? देखा तुमने, इसे कहते हैं तरबियत, हमारी तरबियत। बाहर कैसे सर उठा के फिरती है ना, कितने सारे मर्दों की बॉस है लेकिन बाप के सामने एक बात का जवाब नहीं दे पा रहे। बुशरा, अबू कुछ पूछ रहे हैं, तुम्हें इस रिश्ते पे कोई एतराज तो नहीं, तुम्हें मंजूर है ना? जी जीती रहो बेटा, अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश रखे। करने की कोशिश, दिल किसी का भी टूटे तकलीफ बराबर होती। ओ रब्बा रब्बा। जब कोई मर्द किसी औरत की बदतारीफी यानी कि कोई बुराई करे तो समझ जाए कि वो मर्द उस औरत की मोहब्बत में गिरफ्तार हो चुका है और उसकी खूबसूरती की वजह से उसका दिल झुलस चुका है। फराह, मुझे बहुत डर लग रहा है, ऐसे लग रहा है जैसे ये सब कुछ हकीकत ही ना हो। बुशरा बाजी, आपने जितनी तल्ख हकीकतों का सामना किया है ना, उसके बाद ही सब कुछ ख्वाब ही लगेगा। यही तो मसला है, ये ख्वाब भी नहीं लग रहा। इश्क मेरा बाखो गई कमली में कैसी हो गई, बन के दीवानी यार की चाहे हो।